अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा स्नैन। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बहावलपुर रोजनामा वाइस ब्यूरो चीफ आसिफ अवान, एजुकेशन सेक्रेटरी यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन पंजाब मोहम्मद बिन सना अल्लाह ने कहा है कि सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम का सालाना इम्तहान मुनाकिद करवाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि तलबा तलबात से पंजाब मेडिकल फैकल्टी के सालाना इम्तहान सितम्बर 2023 मुनाकिद करवाने का वादा किया गया था, जो कि पूरा हुआ। तलबा तलबात के 17 सितंबर 2023 को पंजाब के 10 सेंटर्स में इम्तहान मुनाकिद हुए। इम्तहान 1 अक्टूबर 2023 को अख्ताम पजीर हो गए। उन्होंने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी से मुलाकात में कहा कि सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी और फैकल्टी के अमले ने इम्तहान को साफ और शफाफ तरीके से करवाकर अपना वादा पूरा किया, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने यंग पैरामेडिकल एसोसिएशन पंजाब के वक्त को बताया कि रिजल्ट इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर तक जारी किया जाएगा और इंशाल्लाह अगला सप्लीमेंट्री इम्तहान जनवरी या फरवरी 2024 और सालाना इम्तहान मार्च या अप्रैल 2024 में मुनाकिद होगा।